हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फिर ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले थ्री ब्रेकिंग बिगेस्ट आईटी न्यूज़ को लेकर। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाला है, इसमें मैं आपको सब कुछ प्रूफ बताने वाला हूँ, मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग जो है वीडियो को इन तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड, अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को प्लीज़ आप लोग एक लाइक जरूर करना फ्रेंड। तो फिर यहाँ पर मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी। ओके, फ्रेशर्स अवेट ऑफर लेटर फॉर अप टू 10 मंथ्स आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड। ओके, बता दो फ्रेंड, यहाँ पर अब ऑफर लेटर का बात करें, ज्वाइनिंग लेटर का बात करें, ऑनबोर्डिंग का बात करें, सभी का ही सेम यहाँ पर जो है फॉलो हो रहा है हर एक कंपनी की तरफ से। ठीक है, तो आप लोग चाहो फिर आर्टिकल देख सकते हो। फिर ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है 18th of October को। ओके, आफ्टर डिले इन ऑनबोर्डिंग, ओके, एट इंडिया टॉप आईटी कंपनीज फ्रेशर्स आर ऑल्सो क्लेमिंग दे आर अवेटिंग ऑफर लेटर्स मंथ्स आफ्टर रिसीविंग सिलेक्शन लेटर फ्रॉम इन्फोसिस, कैपजेमिनी, टेक महिंद्रा एंड अदर्स। ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट प्रोसेस एट आईटी कंपनीज कैंडिडेट्स आर फर्स्ट गिवेन अ सिलेक्शन लेटर पोस्ट इंटरव्यू एंड देन एन ऑफर लेटर आफ्टर विच दे आर गिवेन एन ऑनबोर्डिंग डेट। अ जॉब एप्लीकेंट हु हैव बीन अवेटिंग एन ऑफर लेटर फ्रॉम इन्फोसिस फॉर द पास्ट 6 months, ओके, टोल्ड बिजनेस टुडे, आई अपेयर फॉर इंटरव्यू इन इन्फोसिस एंड गॉट सिलेक्शन लेटर ऑन March 2 दिस ईयर, बट इट्स बीन 6 months, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द ऑफर लेटर। बाकी आप लोग फिर यहाँ देख सकते हो, ठीक है, सब आर्टिकल पब्लिश किया गया। जिन लोगों ने क्या बोला, आई गॉट सिलेक्शन लेटर फ्रॉम कैपजेमिनी ऑन जनवरी 24, इट वॉज बीन ऑलमोस्ट 10 months, कंपनी गिव्स ऑटो जनरेटेड ईमेल सेइंग दैट काइंडली वेट फॉर द अपडेट। ओके, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, यस, कंपनीज आर स्टिल टेकिंग द लॉट्स ऑफ टाइम टू गिविंग दियर ऑफर लेटर एंड ज्वाइनिंग लेटर, बट वाट एवर I am recommending to you all guys simple one thing, just prepare yourself for being skilled up and be join Telegram group। कोई भी hiring आती है वहाँ से apply करो, exam आ रहा है cheating करके exam दो, other is no like other कोई option नहीं है। हाँ, आप लोग, मैं ये नहीं बोलूँगा cheating is only one option, नहीं, लेकिन आप लोग companies में apply करते रहो, अदर कंपनी में अप्लाई करते रहो, स्किल्स पे काम करो। एग्जाम अगर आपसे एप्टीट्यूड नहीं हो पाता अच्छे तरीके से, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप है जो आपको आंसर वगैरह शेयर करते रहते हैं। सो बीइंग प्लेस्ड, 10 महीने 11 महीने वेट करना फॉर अ सिंगल कंपनी दिस नॉट अ वर्थ। ठीक है, आप लोग डिसाइड कर लेना अपने हिसाब से, ये मेरा कहना था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है आपका, ओके, मून लाइटिंग डिबेट टीचर्स प्लान्स टू गिव जॉब और अ प्लेटफॉर्म फॉर ओवर 6 लाख एम्प्लॉयज। ओके, तो यहाँ बताने वाला हूँ फ्रेंड, आप देख सकते हो फ्रेंड, मेनी आई टी कंपनीज हैव स्टार्टेड न्यू मॉडल्स एंड दे आर एग्जीक्यूटिंग देयर कस्टमर टू एंगेज इन अ बिग गिग बेस्ड प्रोजेक्ट, दे एग्जीक्यूट द फॉर्मेट फास्टली बिकॉज द एम्प्लॉय आर स्टार्टेड टू वर्किंग इन मून लाइटिंग। आप दिखा दो फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका इंडिया इकोनॉमिक टाइम भी पब्लिश किया गया था, और ये आपका जो india.com पर भी आउट हुआ था, टीचर्स मेक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन मून लाइटिंग, चेक डिटेल्स हेयर। और यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हो मेंशन किया गया है सर्वर, यहाँ पर देखिए फ्रेंड, नथिंग टू प्रिवेंट व्हाट द लेटेस्ट अनाउंसमेंट फॉर द मून लाइटिंग में जो बताया गया था, यहाँ पर 6 लाख जो है यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, तो देखिए तो मेंशन किया गया है, ये आपका पब्लिश हुआ है द इकोनॉमिक्स टाइम पे, या देख सकते हो, टीसीएस इज प्लानिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनल गिग्स फॉर इट्स ओवर 6 लाख एम्प्लॉयज। द प्लेटफॉर्म इन द इनिशियल स्टेज राइट नाउ कुड बी एक्सपेंडेड टू द एक्सटर्नल वर्कफोर्स एज वेल लेटर। आप लोग फ्रेंड देख सकते हो, ये आर्टिकल पब्लिश किया गया, मैं आपको टाइमिंग दिखा दूँ फ्रेंड, 17th of October को। ठीक है, यहाँ पर आप सब कुछ आपको मेंशन किया गया, आपको चाहो तो आर्टिकल को देख सकते हो। तो काफ़ी बड़ी आपको चीज़ यहाँ पर देखने को मिलने वाली है फ्रॉम द टीसीएस टीम ऑन द बिहाफ ऑफ मून लाइटिंग। अब मून लाइटिंग क्या, मैं आपको सिंपल वे में बताऊँ तो बता दो फ्रेंड, मून लाइटिंग एक ऐसा टर्म है जिसमें आप लोग एक कंपनी में काम करते रहते हैं, आप दूसरी कंपनी में भी काम करते हो ड्यूरिंग द वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी। ठीक है, तो इसे मून लाइटिंग बोलते हैं। बहुत सारी कंपनीज को अलाउ करते हैं, बहुत सारी कंपनीज को अलाउ नहीं करते कि आप मून लाइटिंग करो। इससे क्या होता है कि उनका जो कंपनी का, जैसे मान लो कि आप कंपनी में काम करो इन्फोसिस, आप लोग मून लाइटिंग कर रहे हो, आप लोग अदर कंपनी में काम कर रहे हो लाइक विप्रो, तो आप लोग जो है दोनों ही कंपनी में काम कर रहे हो, और कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी किसी ना किसी कंपनी कम होगा, लेकिन दोनों ही कंपनी आप पर ट्रस्ट कर रही है कि आप उनको 100% रिजल्ट दोगे। ऐसे क्या होगा कि उनका प्रोडक्टिविटी आपके साइड से कम हो जाएगा, इस कारण से वो लोग बोल रहे हैं कि मूनलाइटिंग इज नॉट अलाउड। काफ़ी कंपनी अप्रोच कर रहे हैं, काफ़ी कंपनी अलाउ कर रही है, तो ये हर एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, उनका सीईओ का क्या कहना है, उनका चेयरपर्सन का क्या कहना है, उनके एचआर का क्या कहना है, ये मल्टीपल लोगों पर भी डिपेंड करता है। तो ये रहा फ्रेंड दो बहुत सबसे बड़ी अपडेट। ठीक है, तो इसके अलावा भी कुछ डाउट्स होगा मैं आप लोगों को, कुछ भी अपडेट होगा मैं बता दूंगा, कुछ डाउट्स आप कमेंट में पूछ सकते हो, वीडियो को लाइक करना, जो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं जय हिंद जय भारत।